मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम एक सामाजिक प्रॉब्लम के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। जिस तरह से जब आप रोड पर जाते हैं, मैं भी रोड पे जाता हूं, अपने घर से क्लिनिक जाता हूं या क्लिनिक से घर आता हूं या घर से कहीं और किसी काम के लिए जाता हूं, तो रास्ते में जगह जगह बोर्ड दिखाई देते हैं हमें लिखे हुए, पत्नी सताए तो हमें बताएं। और कहीं जगह ये लिखा होता है, कहीं जगह लिखा होता है कि हमें फ़ोन ना करें, लिख कर बताएं। तो जाते हुए मेरे को भी लगता था, मैंने कहा ये किस तरह के बोर्ड हैं, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स है। फिर मन में आता था कि हाँ अच्छा, ये जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं उसके लिए ये सिर्फ बोर्ड लगा रखे हैं, क्योंकि उसके अंदर अधिकतर वकील लोग ही होते थे, तो ऐसा ही पता लगता था। लेकिन कल मैंने फिर अखबार में एक आर्टिकल देखा जिसके अंदर गायनेकोफोबिया के ऊपर वो आया हुआ था, तो मैंने कहा हाँ ये खाली पति पत्नी के झगड़े का ही नहीं है, लेकिन गायनेकोफोबिया भी एक जो बीमारी होती है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। और एक उसके अंदर तो ये भी लिखा था कि एक व्यक्ति तो 35 साल से अपने घर के अंदर ही बंद था, अपने कमरे के अंदर बंद था, घर में भी नहीं, और वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था गायनेकोफोबिया की वजह से। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक ना एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये कोई आम बीमारी नहीं है जिस तरह जुकाम खांसी बुखार होता है, लेकिन ये एक मानसिक अवसाद हम इसको कह सकते हैं, मानसिक बीमारी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसीज के अंतर्गत ये गायनेकोफोबिया आता है। इसमें क्या होता है कि जब भी व्यक्ति कोई किसी महिला से मिलता है या किसी फंक्शन में जाता है या किसी क्राउड में जाता है, वहाँ महिला को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर वो महिलाओं से दूर रहने की कोशिश करता है, या किसी महिला को देखते उसके मन में बहुत जोर का डर लगने लगता है। एंजाइटी एक अलग चीज़ होती है, फियर एक अलग होता है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन उसको कभी फिर बताऊंगा। लेकिन डर होता है या उसको एंग्जाइटी होती है, तो किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, ये इस तरह से रहता है। तो फिर वो क्या करता है, महिलाओं से कटने लगता है, वो उनसे के साथ में इंटरेक्शन नहीं करता है। अब ये पता लगाने के लिए भी क्या करना है ये मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, जैसे मैं घबराहट बताया, डर बताया, या उनको अवॉइड करना बताया, तो ये सब होता है कि उस व्यक्ति के मन में वो प्रॉब्लम जो कितने डिग्री का है उसके हिसाब से उसके अंदर वो फ़र्क आना शुरू होता है। फिर एक होता है सोशल इंट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया, तो फिर वो क्या करता है, सोशली भी फंक्शंस भी जाना बंद कर देता है, सोसाइटी मूव करना बंद कर देता है और अलग अलग रहना शुरू करता है। या फिर जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि पत्नी सताए तो ऐसा होता है, तो जो पति पत्नी के आपस के रिलेशन होते हैं अगर वो टेंस हों, उसके अंदर व्यक्ति के जो अपना मानसिक या जो उसका जो है मनोभाव जो होते हैं वो किस तरह के हैं, वो पत्नी के साथ किस तरह से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, या वो बहुत माइल्ड या सबमिसिव टाइप का है, तो फिर वो उसको जो कुछ पत्नी उसे कह रही होती है वो उसको लगता है कि शायद ये मेरे को सता रही है, तो वो उसके ऊपर चर्चा करता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे कि इसके ऊपर भी लोग ध्यान दें, जिस पे कि अभी तक लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, इसके पीछे ये भी हो सकती है, एक तो ये बात हुई, एक दूसरा कोई पोस्ट ड्रामा भी हो सकता है, मतलब कभी किसी महिला ने उसको किसी वजह से प्रताड़ित किया, जानबूझकर किया या अनजाने में किया, या उसकी गलती की वजह से किया या बिना गलती की वजह से किया, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर इस तरह की फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। या फिर मान लीजिए कल्चरल भी एक बारी अलग होता है, मान लीजिए वो किसी एक धर्म से बिलोंग करता है या एक कल्चर से बिलोंग करता है, वो किसी दूसरी जगह पर जाकर रहना शुरू हो जाता है जहाँ का कल्चर अलग है या धर्म अलग है, तो वहाँ पर भी उसको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, और वो उसको इस तरह की बीमारियाँ, मतलब इस तरह की बीमारी जिसे हम कह रहे हैं, वो लगने की चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये सब बात को हम समझ के ये समझे कि इसके लिए ये नहीं कि उसको इग्नोर करें, उस व्यक्ति को उसकी बात ना सुने, लेकिन उसको उस वक्त कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, मतलब उसको कोई साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, या और भी कुछ आप नहीं कर सकते हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन उसको उसके किसी डॉक्टर के पास जो उसका फैमिली फिजिशियन है उनके पास जाएं, और या किसी अपने मित्रों से चर्चा करें, तो जब उनसे चर्चा करेंगे, डॉक्टर से चर्चा करेंगे, तो डॉक्टर उन्हें सही रास्ता बताएगा कि भाई आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। फिर वो साइकोलॉजिस्ट जो उसके नीचे तह में जो प्रॉब्लम आई हुई होगी जिस वजह से उसको ये डर बैठा है, तो वो सारे जब पता लगाएंगे तो फिर उनको
जो है रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। जब उनको रिमूव करेंगे तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, फिर आम आदमी की तरह से वो भी दुनिया में रहना शुरू करेगा और इस तरह का डर उसके मन से निकल जाएगा, तो वो सोसाइटी का एक बहुत अच्छा खूबसूरत व्यक्ति बन सकता है। और इसके अंदर होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ आज नहीं, जब डॉक्टर हैनीमन ने होम्योपैथी की शुरुआत की थी तो उनके टेस्ट के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स का जिक्र किया हुआ है और उन्होंने 3 दवाइयाँ इसके लिए बहुत ही अच्छी बताई हैं। मैं सिर्फ आज वही बताऊँगा, बाकी कुछ नई दवाइयाँ नहीं बताऊँगा। उन्होंने बताया कि जो लोग जिस तरह से जो माइल्ड नेचर के होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं और उनको रोना जल्दी आता है जैसे महिलाएँ करती हैं, तो उस तरह का अगर उसका स्वभाव है और महिलाएं उसको ऐसी मिल जाए जैसे मिलता है कि उस तरह के एक्सपीरियंस की, तो उस वक्त जो है पल्सिटिला नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इस डर, फियर और एंग्जाइटी की वजह से कुछ लोगों को गैस ज़्यादा बनती है पेट के अंदर और ऐसे लगता है कि यहाँ कोई गोला फंस गया, यहाँ कोई गोला फंस गया, इस तरह के अगर वो सिम्टम्स उसको आ रहे होते हैं डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के, तो उसके अंदर फिर रेफनेस नाम की एक दवाई है होम्योपैथी में जो बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ लोगों को ये होता है कि गायनेकोफोबिया वालों को, कि उनको गुस्सा तो आ रहा है लेकिन वो अपना गुस्सा प्रकट ही नहीं कर पाते हैं, नहीं तो क्या हुआ, सामने वाले ने गुस्सा किया, आपने गुस्सा किया, हिसाब किताब बराबर हो गया, दोनों नॉर्मल हो गए और उसके मन पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं आया। तो लोग जो गुस्सा पी जाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते, उनके लिए एक बहुत अच्छी दवाई है स्टेफिसगेरिया। अगर इस दवाई का सेवन किया जाए डॉक्टर की देखरेख में तो इस तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वैसे अन्य और भी दवाइयां हैं लेकिन वो सब डॉक्टर अपने हिसाब से रोगी को देख कर फिर देगा तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम गायनेकोफोबिया के जो लोग हमारे आसपास में, उनको ठीक करने में, सोसाइटी का एक अच्छा अंग बनाने में मदद कर सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।